नमस्कार, फ्रेश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ विशाल राणा। इस वक्त जब वो आते हैं यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन लगा हुआ है, 11 तारीख से जो था ये एग्जीक्यूशन लगा हुआ था, यानी कि 6 दिन का जो है एग्जीक्यूशन लगा हुआ। कल जो है इसकी आखिरी तारीख है, कल जो है ये एग्जीक्यूशन समाप्त तो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो हम पहुँचे हैं, यहाँ पर हम पहुँचे हैं आपको दिखाने के लिए कि बैम्बो की कलाकारी जो है उसका नमूना जो है आपके सामने पेश करने के। फिलहाल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं और बैम्बो क्राफ्ट वर्क जो है कितनी खूबसूरती से काम किया गया है। इस वक्त हम विजय कुमार मेहरा जी के पास पहुँचे हैं और ये देख सकते हैं एक बैम्बो की जो है बैम्बो की से जो है वो कारीगरी कितनी खूबसूरती से की गई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं यूनिवर्स न्यूज़ के माध्यम से कि बैम्बो से जो है कितनी खूबसूरती से जो है कलाकारी की गई है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ये विजय जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बिज्जल महादेव का जो है मंदिर है, ये एक नमूना जो है बैम्बो से जो है बैम्बो की लकड़ी जो होती है उसके उससे जो है ये बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से जो है ये बनाया गया है और ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत जो है ये तस्वीर आप इस देख रहे हैं आप। बहुत ही शानदार तरीके से जो है काफ़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। विजय जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। विजय जी, सबसे पहले तो जम्मू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय जी, आप ये कलाकारी करते हैं बैम्बू से, बैम्बू की जो लकड़ियां होती है उनसे आप ये कलाकारी करते हैं, तो शुरुआत या आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे पूछें कि कहां से आपको ये आइडिया लगा कि मुझे ये करना है और बैम्बू से जो आप कलाकारी करते हैं काफी मुश्किल होता है, तो सबसे पहले जो है आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी तो सर मेरी बहुत लंबी है, शायद इतनी लंबी नहीं बता पाऊंगा, पर शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इस चीज़ का जो मुझे क्रेज है वो फर्स्ट टाइम शिमला से हुआ था। जब मैं शिमला फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ की जो अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई बिल्डिंगें हैं वो आज के दौर की जो बिल्डिंग है उससे बहुत अलग है। उनकी जो शैली और उनके जो मतलब भवनों के जो निर्माण थे वो थोड़ा अलग थे आम जो बिल्डिंग जो होती हैं। तो मैंने सबसे पहले जो रिज पे शिमला चर्च देखा तो उसका मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इसका छोटा सा रूप बनाया जाए और उसको मतलब अच्छी छोटे से रूप में दिखाया जाए। तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया जो धीरे धीरे बनाना। और कई कभार ऐसा होता था कि यार दोस्त आते थे, कुछ मांग के ले जाते थे, कुछ ऐसे कि अच्छा बना है चलो हम ले जाते हैं, तो मैं एज ए प्रोफेशन इसको नहीं कर रहा था उस समय। उसके बाद जब मैं अपने डीएलओ श्री त्रिलोक सूर्यवंशी जी से मिला धर्मशाला में, तो उन्होंने मुझे थोड़ा उस लाइन का रास्ता दिखाया। फिर मैं धीरे धीरे एग्जीबिशन वगैरह करने लगा और बिना किसी सोच समझ के अगर मुझे कोई भी मंदिर घर या नक्शा बताता तो मैं उसको बनाने के लिए हाँ कर देता। इसमें मैं आज तक हडिम्बा देवी, बैजनाथ मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर, इस तरह के बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ बना चुका हूँ। जैसे राम मंदिर अभी अभी मैंने पिछले साल बनाया है जो सेल हो गया था कुछ ही समय में। तो इसके मतलब बांस की एक यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे अभी तक के 25 साल लग चुके हैं। तो कितना वक्त लगता है जब आप कुछ बनाते हैं बैम्बो से, कितना समय व्यतीत करते हैं? सर बैम्बो का ऐसे है कि है तो ये भी एक मतलब रामटेन ही बनाया हमने, पर बैम्बू मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बैम्बू एक फ्लेक्सिबल लकड़ी है और इसको किसी भी रूप में डालना जो है थोड़ा अन्य लकड़ियों से आसान है। तो अब जरा थोड़ा इनके बारे में बताएं कि ये जो एक मंदिर का जो नमूना आपने पेश किया है तो ये कौन सा मंदिर है, ये कहाँ पर? सर ये जो है ये बैजनाथ मंदिर है जो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, बैजनाथ स्थान पे ही है ये। और ये एक बहुत ही मतलब अद्भुत शैली का मंदिर है। इसकी जो कलाकारी मैं भी इसमें नहीं दिखा पाया हूँ, इतनी बड़ी इसमें कलाकारी है। और बाकी इसके साथ वो दूसरा मंदिर में ले आया हूँ, ये है बिजली महादेव का। इस मंदिर की कुल्लू में है और इसकी मान्यता है कि इसके ऊपर जो है वो हर 12 साल के बाद जो है इसके ऊपर बिजली गिरती है और फिर इसको मतलब शिवलिंग टूट जाता है और उसको फिर से मक्खन लगा के जोड़ा जाता है।
तो ये फिर द्वारा से जुड़ जाता है। अच्छा, ये जो मंदिर है इसलिए नाम, इस मंदिर का नाम है बिजली महादेव। बिजली महादेव शायद इसी वजह से इसका नाम भी बिजली महादेव है। तो ये सर जो छोटी आइटम है, ये जो है एक आइडिया था मेरा, जैसे हम इंडोर प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है किसी अन्य चीज में लगाना, तो अगर आप हम बंबू में इस चीज को लगाते हैं इंडोर प्लांट को, बहुत ही मतलब देखने में सुंदर और अच्छा लगता है। और इसके स्पेस के लिए अगर इसको कहीं स्पेस ना है तो इसको दीवार पे टांग सकते हैं, ये सबसे बड़ा आइडिया है। जैसे कोई बेलदार पौधा लगाना हो, बाकी बेलों की बोतल है, ये बोतल है सर, इसको घुमा के खोलेंगे तो खुल जाएगी। ये क्या है? ये एक बोतल बनाई है, वाटर बोतल। अच्छा, ये बोतल बनाई है जी। और इसको हम आप जैसे किसी और जगह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड पे, जैसे शहद रखना, चाय पत्ती, कुछ खास चीज। ये बहुत ही आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत ही अद्भुत जो है कलाकृति है। मैं भी ये नहीं पहचान पाया कि एक बोतल है, मतलब ये जो क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने मतलब एक चीज को एक लकड़ी से जो है बोतल बना दी। शायद ही किसी के दिमाग में ये आया होगा कि मैं इस बैम्बू की लकड़ी से जो है बोतल बनाऊं। पहली बार मैं देख रहा हूँ, कैसे मतलब ये आइडिया कैसा आया कि बोतल बनाई जाए? सर जब से ये थोड़ा प्लास्टिक हटाओ का अभियान चला है ना, मतलब प्लास्टिक की बोतल यूज कर रहे हैं, तो एक मिशन निकला था इसका भी, तो मुझे काफी जगह से कॉल आ रही थी कि बैम्बू बोतल बनाओ, बोतल बनाओ। पर ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये जब सूखता है तो उसके बाद फट जाता है बैम्बू, तो हर बांस से जो है वो बोतल तैयार नहीं की जा सकती। इसमें जो है वो वेट करना पड़ता है साल सब भर की, जो बांस नहीं फटेगा उसी से बोतल बनाए। तो इसमें जो जैसे आपने लिक्विड की बात की, चाहे पानी मान लो या तो इसमें बरकरार रहती है, बरकरार रहती है, क्योंकि बंबू तो एक ऐसा पौधा है जिसमें नेचुरली पहले पानी ही होता है अंदर से, और ये अंदर से इतना क्लीन होता है कि जैसे मतलब इसको लेमिनेशन किया हो किसी चीज। ठीक है, ठीक है। और ये साथ में पेन स्टैंड का भी यूज हो जाएगा इसमें। तो ये एक और आपने ये मनाली में है, ये हरिम्बा देवी का मंदिर है और ये मनाली में स्थित है। मनाली में कोई भी ऑल इंडिया से या ऑल वर्ल्ड से कोई टूरिस्ट जाएगा तो हरिम्बा देवी जरूर जाएगा, क्योंकि इसकी जो कार्यशैली और इसके आसपास का जो माहौल है वो लोगों को आकर्षित करता है। तो एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये एग्जीबिशन जो है वो कल खत्म हो रही है जी जी, तो आप आखिरी में आप अपने जरिए बताइए एड्रेस, और किसी को ये चीज खरीदनी हो कहाँ पर आए? जी सर, इसलिए आप मुझे हिमाचल में चुमंडा देवी मंदिर है वहाँ पे मेरी आर्ट गैलरी है, बैम्बू क्राफ्ट करके आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, बैम्बू क्राफ्ट चुमंडा देवी अगर सर्च करेंगे तो हमारा जो है स्पेस आ जाएगा और स्थान जो है वो दिखाई देगा, उसमें लोकेशन भी आपको नजर आएगी। और अगर उसके बावजूद भी अगर घूमना हो तो विजय मेहरा शाहपुर करके भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर अगर आपको जम्मू में है और आज कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको कल 4 बजे तक समय है, आज से लेकर ये सुबह 11 बजे ओपन हो जाता है, मतलब जम्मू घाट जो है, और शाम को 8 बजे क्लोज हो जाता है। तो ये हमारे साथ विजय मेहरा जी थे बातचीत के लिए, हिमाचल से ये यहाँ पर जम्मू आए हैं और अपना का जो कला जो है इनका बैम्बू से जो ये क्रिएटिविटी करता है वो नमूना जो है इन्होंने पेश किया है जम्मू हाट में जो है कल की डेट में जो समाप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन जो है बैम्बू से जो है क्राफ्ट जो है वो बनाए गए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश को दीजिए इजाजत, धन्यवाद।